Hi everyone, welcome back to my channel and this is another vlog for you all. So अभी है morning का time, मैंने shower ले लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ breakfast. So आज मैंने सोचा है कि French toast बनाए जाए. बहुत दिन हो गए हैं French toast नहीं खाए हम लोगों ने, तो उसके लिए मुझे चाहिएंगे eggs, vanilla essence और मिल्क एंड ब्रेड. तो यहाँ पे मैंने दो एग्स ले लिए हैं और अब मैं उनको फेंट लूँगी. इसमें ऐड करेंगे थोड़ा मिल्क. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस. And some cinnamon. So, मैं कट कर दूंगी इस स्क्वायर पीसेस में. सो मेरी प्रेपरेशन हो गई है पूरी और अब मैं सिर्फ तवे पे थोड़ा सा घी लगा के ब्रेड स्लाइसेस को डिप करेंगे हम इस मिक्सचर में और फिर उसके ऊपर रखना शुरू करेंगे. Good morning. Hi. What's this? What's this? हाय गाइस, सो पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल गया मेरा. लॉन्ड्री, लंच, फिर काव्या का होमवर्क और अब बस इवनिंग हो गई है, 7:30 हो रहे हैं. तो मैं जाऊंगी अब पूजा करूंगी और उसके बाद डिनर इज़ रेडी. भैया आ गए थे बनाने के लिए, सो डिनर भी रेडी है और उसके बाद हम लोग डिनर के बाद जाएंगे वॉक करने, मैं और मेरी फ्रेंड. तो बस उसके बाद मोर और लेस हम लोगों का डे कंप्लीट हो ही जाता है. तो थोड़ी देर वॉक करते हैं, लाइक 30-35 मिनट्स एंड उससे ज़्यादा, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर कि ऑलरेडी आप पूरे ड्रेंच्ड होते हो स्वेट में, तो उसे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हम लोग बेसिकली. सो यही है, दिन भर का यही रूटीन रहता है. शाम होती है, आई हैड अ चाय ऑल्सो, थोड़ी सी
बट मुझे आई एम नॉट अ चाय फैन दो, बट ठीक है, थोड़ा सा रिफ़्रेश्ड फील होता है। कवीश भी आफ्टरनून में डांट खा के सो गया था बिकॉज उसने स्केच पेन से पूरे अपने हैंड्स में कर दिया, मेरे हाथ में भी थोड़ा सा लगा दिया, तो डांट खाई और सो गया। फिर अभी तो उठ गया है और अभी काव्या और कवीश दोनों खेल रहे हैं एंड कुणाल इज़ वॉचिंग टीवी। तो यही था, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है हम लोगों का। अब अच्छा, काव्या का जो है थर्सडे को प्लास्टर ओपन होना है, वैसे तो कल होना था बट कल का अपॉइंटमेंट मिला नहीं, तो अब थर्सडे को हम लोग जाएंगे आफ्टरनून में, 2:40 का अपॉइंटमेंट हमको मिला है, तो तब उसका होपफुली पूरा रिकवर कर गया हो तो अच्छा है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी उसकी जो फिंगर में लगी थी वो अभी भी काफ़ी ब्लू है, तो फिंगर का मूवमेंट ऑल दो है, उसकी इतना इशू नहीं है, बट स्टिल जो पेन है वो अनबेरेबल है, वो पेन किलर लेती है अभी भी तो, और आई एम अप्लाइंग घी हल्दी ऑन इट, तो ठीक है, हो जाएगा जल्दी ठीक। आई नो थोड़ा सा उसने, मुझे भी हुआ था व्हेन आई वाज यंग, तो इट इज़ पेनफुल फॉर हर, और राइट हैंड में है तो लिखने में, कुछ भी काम करने में उसको बीच में आता है, इवन अगर वो स्पून से कुछ खा रही है तो भी उसको दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। सो प्लीज़ प्रे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अब उसके कहीं भी ना लगे, किसी के भी, किसी भी बच्चे के। सो दैट्स अबाउट इट, ये मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय राम जी की।